नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार से जुड़ी 25 खबरों को। आज धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाएगी सरस्वती पूजा। आज समूचे देश में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाना है, जिसे हम आमतौर पर वसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। वसंत पंचमी के ही दिन हर साल मां सरस्वती को भी पूजा जाता है। कई स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती की प्रतिमा बैठाई जाती है और पूजा की जाती है। छात्र और छात्राएं सरस्वती पूजा के दिन सुबह सुबह नहा धोकर मां सरस्वती की पूजा करते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। मां सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। आज के दिन पीला वस्त्र शुभ माना जाता है और माता की प्रतिमा की पूजा भी की जाती है। हालांकि कोरोना के कारण इस बार इस पूजा का आयोजन धूमधाम से नहीं किया जाएगा, जिसके तहत सरस्वती पूजा को लेकर पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। ओडिशा लोक सेवा आयोग ओपीएससी ने निकाली रिक्तियां। ओडिशा लोक सेवा आयोग ओपीएससी ने ओडिशा सिविल सर्विसेज ग्रुप बीएनसी पोस्ट पर कुल मिलाकर 392 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 22 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.opsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए विप्रो ने लॉन्च किया लर्निंग प्रोग्राम। विप्रो ने पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसके तहत इस प्रोग्राम में पीयू के वही छात्र हिस्सा ले सकते हैं जो 2021 के बीसीए या फिर बीएससी की फाइनल परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और उनका रिजल्ट इसी साल निकलने वाला है। इस इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए स्नातक में 60% अंक होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि यह 4 साल का एडवांस डिग्री कोर्स है और इस कोर्स के लिए छात्रों को ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू देना होगा। इस कोर्स के लिए चयनित छात्रों को विप्रो की तरफ से पहले साल में प्रतिमाह 15,000 रुपए दरमाहा दिए जाएंगे, वहीं दूसरे साल में 17,000, तीसरे साल में 19,000 और चौथे साल में 23,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। विप्रो की तरफ से किए गए इस पहल की काफी सराहना हो रही है। शेखपुरा के कुसैडी गांव के पंचमुखी शिवलिंग में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कुसैडी गांव में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग अपने आप में अद्भुत शिव मंदिर है। सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थापित यह शिवलिंग लोगों के बीच आस्था का केंद्र है। इस अति दुर्लभ तथा प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का दर्शन करने के लिए शेखपुरा जिले के अलावे पूरे प्रदेश के लोग आते हैं। यहाँ अपनी मन्नतों को पूरा करने वाले भगवान शंकर का एक प्रतिरूप रूप में सर्वमान्य है। यहाँ हर महीने सोमवार को अच्छी खासी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाती है, परंतु सावन महीने के हर सोमवार पर यहाँ हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लोगों की मान्यता है कि इस पंचमुखी शिवलिंग से वंश वृद्धि के साथ सौभाग्य की रक्षा व वैवाहिक आकांक्षा पूर्ति होती है। योजनाओं को लागू करने के लिए पटना नगर निगम करेगा विशेषज्ञ को नियुक्त। पटना नगर निगम में कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसके तहत इन योजनाओं पर बेहतर काम हो, साथ ही कार्यों के दौरान पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण भी हो। इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर, प्लानिंग, पर्यावरण विशेषज्ञ समेत प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, सहायक स्टेनोग्राफर की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया निगम के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजेंसी के माध्यम से होगी। इसके तहत कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता व सैलरी को भी निर्धारित कर दिया गया है। इससे संबंधित एक विज्ञापन भी जल्द ही निकाले जाएंगे, जिसके बाद इन पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पटना नगर निगम की स्थायी समिति ने नई बहाली को लेकर मंजूरी दी है, जिसके तहत अब निगम बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद ही पदों पर बहाली होंगी। दलितों को सब्सिडी पर मिलेगा 3,900 क्विंटल धान का बीज। बिहार सरकार दलित किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान के तौर पर बीज उपलब्ध कराएगी। इसके तहत दलित किसानों को 3,900 क्विंटल बीज 3,900 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य में गुणवत्ता युक्त बीजों से उन्नत खेती दूर दराज के किसान भी कर सके, इसके लिए बीज वितरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत दलित किसानों को मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना में 90%, मिनीकिट योजना में 80% और एकीकृत बीज ग्राम योजना में 50% का अनुदान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अनुदान पर बीज लेने के लिए इन किसानों को कई शर्तों का पालन भी करना होगा। इसके तहत वे बीज का प्रयोग खेती के अलावे किसी अन्य प्रयोजन में नहीं कर सकते हैं। पशुपालन विभाग में रिक्त पदों पर बहाली की कवायद शुरू। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने सभी निदेशक, संयुक्त निदेशक और उपनिदेशक स्तर के अधिकारियों से जिले के पशु अस्पतालों में स्वीकृत पदों की संख्या और रिक्तियों की जानकारी मांगी है, जिसके आधार पर उन अस्पतालों में पशु चिकित्सक समेत अन्य वरीय पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। विभाग ने इससे संबंधित सभी ब्यौरा एक प्रारूप के साथ 15 दिनों के भीतर मांगा है। इसके अलावा ईयर टैगिंग करने के लिए टीका कर्मियों को मासिक वेतन पर बहाल करने पर भी पशुपालन विभाग विचार कर रही है।
राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में डिपार्टमेंट के हिसाब से एक समान फीस की उठी मांग। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों में फीस का एक समान फीस का पैमाना तैयार करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत सभी विश्वविद्यालय और उनके संबंधित कॉलेजों का फीस स्ट्रक्चर मांगा गया है। दरअसल राज्य के सभी महाविद्यालयों में आरक्षित वर्ग की छात्राएं निःशुल्क पढ़ रही है, इसकी फीस राज्य सरकार को देनी होती है। इस योजना के 5 साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर सरकार द्वारा किसी कॉलेज को करोड़ों रुपए की फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है, जिससे कॉलेज की स्थिति पर भी बुरा असर हो रहा है। इसे लेकर अब शिक्षा विभाग हर विश्वविद्यालय का संकाय वाइज फीस स्ट्रक्चर एक समान करने पर विचार कर रही है। नागरिक सेवाओं को आसान बनाने के लिए लागू होगा सिटीजन इंटरफेस सिस्टम। सूबे के लोगों को विभिन्न नागरिक सेवाओं का लाभ देने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सिटीजन इंटरफेस सिस्टम लागू किया जा रहा है। यह सिस्टम इसी साल अगस्त महीने के बाद से प्रभावी हो जाएगा। आपको बता दें कि सिटीजन इंटरफेस सिस्टम लागू हो जाने से किसी भी योजना के तहत आवेदन से लेकर हर प्रक्रिया पूरे होने में किसी भी सरकारी कर्मचारी से केवल 2 बार मिलने की जरूरत पड़ेगी, शेष काम ऑनलाइन ही हो जाएंगे। इस तरह नागरिकों को आसान प्रक्रिया से किसी अफसरशाही के शिकार हुए सरकारी मिल सकेगी। राज्य की शहरी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बड़ी कंपनियों की तरह काम करेगी। दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी निकायों में गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब बड़ी कंपनियों के तर्ज पर भी काम कर सकेंगी। इसके तहत 92 स्वयं सहायता समूह का निबंधन कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया गया है। इसके तहत इन सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को अमेजोन व फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन साइट्स पर भी बेचा जाएगा, जिसके लिए एक MOU भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि बीते 2 महीनों में इन स्वयं सहायता समूह के कुल 99 उत्पाद को बेचने के लिए ऑनलाइन सेलिंग कंपनियों के साथ सहमति बनी है। वहीं इस दौरान इनकी ओर से बनाए गए 15 उत्पाद भी ऑनलाइन उपलब्ध हो चुके हैं। पैक्स चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ संपन्न। बीते दिन पैक्स चुनाव के दूसरे फेज का मतदान भी खत्म हो गया। इस दौरान पटना जिले के 17 प्रखंडों के 48 पैक्स के लिए मतदान किए गए। इसके लिए कुल 173 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस दौरान शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 141 उम्मीदवार खड़े हैं। मतदान केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया। इससे पहले पैक्स चुनाव के पहले चरण का मतदान 30 जनवरी को संपन्न हुआ था। 20,000 से ज्यादा EPFO सदस्यों को ब्याज के लिए अभी करना होगा इंतजार। सूबे के 20,000 से ज्यादा EPFO सदस्यों को EPF की ब्याज के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि तकनीकी परेशानी के कारण इन सदस्यों के खाते में ब्याज का पैसा आने में 2 से 3 सप्ताह का समय लग सकता है। दरअसल किसी भी कंपनी में एक भी सदस्य के EPF खाते में अगर परेशानी आती है तो सॉफ्टवेयर के जरिए उस पूरे संस्थान के कर्मचारियों का ब्याज उनके खातों में क्रेडिट नहीं हो पा रहा है। हालांकि सॉफ्टवेयर में बदलाव का काम जारी है। निबंधित श्रमिकों को आसानी से लाभ देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। सूबे के सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों को केंद्र व राज्य सरकार की हर योजना का लाभ एक ही जगह मिल सके, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत सरकार ने एक ऐप तैयार करने का निर्देश दिया है। इस ऐप के माध्यम से श्रमिकों को एक जगह आवेदन करने के बाद कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और इनके खाते में योजना की राशि भी पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि ऐप के माध्यम से श्रमिक ये भी पता कर सकते हैं कि उनके आवेदन की फाइल अभी किस टेबल पर लंबित है। सूबे के छोटे गांव बसावटों तक शुद्ध जल नल पहुंचाने का होगा सर्वे। हर घर नल जल का योजना पार्ट 2 में अब वैसे गांव और बसावटों की पहचान की जाएगी जहां अभी तक नल का जल नहीं पहुंच सका है। इसके लिए जल्द ही सर्वे कराए जाएंगे ताकि साल के अंत तक सभी घरों में नल का जल पहुंच सके। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग योजना का काम पूरा हो चुका है, मगर जहां काम नहीं हुआ है वहां तकनीकी परेशानी है, जिसे जल्द ही दूर कर काम पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है। अब तक 1,83,00,000 से अधिक परिवारों को नल से शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 24 घंटे राज्य का उत्तर पूर्वी भाग रहेगा कोहरे की चपेट में। बिहार के उत्तरी पूर्व में बसे जिलों में अगले 24 घंटे तक कोहरे रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार इन क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। वहीं इस दौरान रात के तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, मगर आने वाले 1 से 2 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि पिछले कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। इसके साथ ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में कड़ी धूप निकलने के कारण तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। बीते दिन बिहार में सबसे कम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस गया जिले में और सबसे अधिक भागलपुर में 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
भागलपुर रेल एरिया के नेटवर्क से जुड़ेगी नई लाइन। जल्द ही भागलपुर रेल एरिया के नेटवर्क से एक नई लाइन जुड़ने वाली है। इसके तहत पुरैया घाट से गोड्डा तक लाइन एवं स्टेशन का निर्माण हो चुका है। रेलवे का यह सेक्शन पीरपैंती जसीडीह रेल परियोजना का हिस्सा है। आपको बता दें कि भागलपुर एरिया में अभी यह अकेली परियोजना है जिस पर रेलवे निर्माण विभाग काम कर रहा है। अगले 2 साल में पूरी परियोजना का काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। वहीं सीआरएस निरीक्षण के लिए मालदा डिवीजन और पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने तैयारी कर ली है। आपको यह भी बता दें कि इस नई रेल लाइन के लिए ट्रेन की भी घोषणा कर दी गई है। इसके तहत भागलपुर नई दिल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस को हमसफर एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर गोड्डा से चलाने की घोषणा की गई है। इससे पहले गोड्डा में रेल लाइन नहीं पहुंची थी। यह पहली रेल लाइन है जो गोड्डा तक जाएगी। पंचायत चुनाव में ईवीएम खरीद में देरी को लेकर चुनाव आयोग पहुंचा हाईकोर्ट। पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम के जरिए होने वाला है, मगर अब यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड से मल्टीपोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीद को कॉरपोरेशन द्वारा अनुमति नहीं देने में देरी की जा रही है। इसे लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अब पटना उच्च न्यायालय का रुख किया है। हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य में पहली बार ईवीएम से होने वाले पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की खरीद की मंजूरी मिलने में कथित तौर पर देरी से चुनाव को समय पर कराने में परेशानी आ सकती है। आपको बता दें कि चुनाव संभवतः मार्च से मई महीने के बीच कराई जाएंगी। बिहार कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़ा मामले में सिविल सर्जन ने मांगा स्पष्टीकरण। कोरोना के फर्जी टीकाकरण मामले में अब भागलपुर के सिविल सर्जन ने जिले के 9 सरकारी अस्पतालों के प्रभारियों को पत्र भेजा है। पत्र में जवाब मांगा गया है कि किन परिस्थितियों में एक ही नंबर या फिर फर्जी नंबर पर सैकड़ों लोगों की कोरोना जांच की गई। पत्र में यह भी पूछा गया है कि बीसीएम व आशा कार्यकर्ता से लेकर सामान्य नागरिकों के मोबाइल नंबर से सैकड़ों लोगों की कोरोना जांच आखिर कैसे हुई। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि एक ही नंबर से सैकड़ों लोगों की जब कोरोना जांच गई तो संबंधित व्यक्ति तक उनके कोरोना नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होने की सूचना कैसे पहुंचाई गई। इन सभी प्रश्नों का सिलसिलेवार स्पष्टीकरण मांगा गया है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने साल 2014 में दिए गए इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट संभवतः 25 फरवरी तक आने की नोटिस जारी की है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने परीक्षा में 7 साल लेट होने का मामला उठाते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार की सुशासनी दुर्गति और बेरोजगारों की बेबसी ऐसी है कि 2014 में बीएसएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम आज 7 सालों के बाद प्रकाशित किए जाने की अभी संभावना ही जताई जा रही है। कितने अभ्यर्थियों की आयु सीमा और बहुमूल्य समय निकल चुके हैं, लेकिन अनुकंपाई सीएम को कौन समझाए। इस ट्वीट को सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है। अशोक चौधरी और कन्हैया कुमार के मिलने के बाद राजनीतिक कयास हुए थे। जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की। यह मुलाकात सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने उनके आवास पर किया, जिसके बाद से ही बिहार के सियासी महकमे में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि अभी तक मुलाकात की वजह की जानकारी नहीं मिल सकी है। हालांकि इस मामले को लेकर अशोक चौधरी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कन्हैया कुमार के साथ हुई मुलाकात राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई खास नहीं है। यह मुलाकात केवल क्षेत्रीय विकास को में रखते हुए किया गया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। मिर्जा गालिब की 1969 में 100वीं पुण्यतिथि पर डाक टिकट जारी किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 1982 में पहली बार कलकत्ता में आज ही के दिन हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2008 से राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ आज ही के दिन किया था। भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर का जन्म 1978 में आज ही के दिन हुआ था। 1944 में हिंदी सिनेमा के पितामह दादा साहब पालके ने दुनिया को आज ही के दिन अलविदा कहा था। घरेलू गैस के दामों में फिर से की गई बढ़ोतरी। ऑयल कंपनियों ने एक बार फिर आम आदमी को महंगाई का झटका दिया है। इसके तहत एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने सोमवार से सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 50 रूपए बढ़ा दी है। ऐसे में राजधानी पटना में अब रसोई गैस की कीमत 867 रूपए 50 पैसे हो गए हैं, जबकि आपको बता दें कि पहले इसकी कीमत 817 रूपए 50 पैसे थी। दूसरी तरफ 19 केजी वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम में 9 रूपए 50 पैसे की कमी की गई है।
जदयू ने जारी की नए विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट। जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी के नए विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके तहत सभी 243 विधानसभा में प्रभारियों का पुनर्गठन किया गया है। लिस्ट में कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने साथ ही और प्रभारियों का भी मनोनयन किया है। इसके अलावा पार्टी ने श्वेता विश्वास को महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। तीसरा दिन का खेल खत्म होने के बाद मजबूत स्थिति में दिखी भारत। इन दिनों भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में एक स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है, जिसके तहत यहां पहला टेस्ट मैच जीतकर इंग्लैंड मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद अब भारत मजबूत स्थिति में है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 53 रन बना लिए हैं। भारत की टीम दूसरी पारी में 286 रन बनाकर ऑल आउट हुई और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 482 रनों का लक्ष्य रखा। रविचंद्रन अश्विन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 106 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान विराट कोहली ने 62 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में 329 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम महज 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बना टेलीग्राम। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन चुका है। इसने टिकटॉक, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स को भी पीछे छोड़ दिया है और नंबर 1 ऐप बन चुका है। डाटा एनालिटिक्स फर्म सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2021 में टेलीग्राम दुनिया भर का मोस्ट डाउनलोडेड नॉन गेमिंग ऐप रहा है। आपको बता दें कि पिछले महीनों ही व्हाट्सएप को अपनी नई पॉलिसी को लेकर हुए विवाद में यूजर्स की खूब खरी खोटी सुननी पड़ी थी। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि टेलीग्राम को व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के कारण सीधा फायदा मिला है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट्स करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मुकुंद कुमार, रविंद्र पासवान, गजेंद्र सिंह, रत्न कुमार, अतीक खान, मंजीत कुमार, वीरेंद्र कुमार, शंभू सहनी, रमेश कुमार, देवेंद्र सिंह, शहनाज खान, मनीष मोहरा ऑफिशियल। इसके अलावा हमारे टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब यूं ही देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है कि आपके अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे मैच के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय टीम पहले मैच में मिली हार का बदला लेने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।